गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग 30 जनवरी का जो हमारा जेई मेंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पेपर में आए हैं, उनके कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी का है, बैग ए कंटेन्स। एक हमारे पास कोई डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो ये हमने स्टार्ट टी डायग्राम बनाया, तो ये स्टार्ट किया, ये एक हमारे पास बैग ए है और ये बैग बी है, ठीक है। बैग ए और बैग बी है हमारे पास, ठीक है। बैग ए कंटेन्स 7 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। बैग बी कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल और 2 रेड बॉल्स, ठीक है। बैग ए बॉल इज चूजन रैंडमली एंड फाउंड इट टू बी रेड। तो इसमें से जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा क्या आएगा, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टेकन फ्रॉम द बैग ए। तो सीधा आपको पता लग रहा है ये आपका कैसे है, बैग ए से हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इससे रेड बॉल आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, इधर से आपकी रेड बॉल आए तो 2/5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई बाई ए, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ए बाई ई, ए बाई ई इज इक्वल टू 1/2 × 3/10 इज इक्वल टू 1/2 × 3/10 प्लस 1/2 × 2/5। तो इधर आपका आ जाएगा क्या 3/20, इधर आ जाएगा 3/20 प्लस, क्लियर, 3/20 प्लस, और ये आपका हो जाएगा, इसमें हम लोग 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अब आपका आ जाएगा 3/20 और प्लस 7/20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बेस थ्योरम का बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मॉडुलस उसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए दे रखा है कितना हमारे पास, 2 दे रखा है। तो बोलता है इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसको हम लोग एक तरह से ऐसा लिख सकते हैं ना, बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए और मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 4, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहां पर हमारा आ जाएगा 2a.b आएगा इस जगह, सॉरी बेटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, मॉडुलस ऑफ a प्लस वेक्टर b स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर और प्लस 2a.b, ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एक वेक्टर का क्वेश्चन और है। तो बोलता है एक हमारे पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप एंड मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये हमें गिवन है, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ए और बी के बीच में π/4, एंड ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, तब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस ऑफ बी। तो cos इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 3, इसकी मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 6, तो इसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 3, और मॉड ए
हमारे पास क्या है अभी हमें पता नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए भी हमें यहां पे मिल जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब देखिए क्या करना है, अगर हम इससे ए के मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बनाए तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका 1 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी ये 3 - 1 - 2 आ जाएगी। एक तो हमें ये वैल्यू पता लग गई अल्फा स्क्वायर प्लस दिस, अब हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो ए क्रॉस बी हमारा कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन पाई बाई 4। तो मॉडुलस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, मॉड बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 6, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 इंटू ये अंडर रूट 3 लिख दिया हमने 6 को, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3, क्लियर। और अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, 18 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, बोलता है एक फंक्शन है हमारे पास जो कि डिफरेंशिएबल है। तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो 3 + 2 ये 3 + 2 + a इज इक्वल टू b + 2, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एक तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस 3। अब वो बोलता है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो 6x + 2 इज इक्वल टू b, और कहां पर हमें चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर b की वैल्यू डालेंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 - 3, तो सॉरी 8 - 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें एफ एक्स की वैल्यू पता लग गई, हमारे पास एफ एक्स ये आ गया, ठीक है। अब वो बोलता है कि सर अब आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -2 से लेकर 1 तक, क्योंकि फंक्शन हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x² + 2x और प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है, प्लस dx प्लस इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x + b की वैल्यू 8x + 2 और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा x³, और इधर आ जाएगा x² + 5x, लिमिट आपकी -2 से लेकर 1 तक, इधर आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर आपका आ जाएगा 4x² + 2x और लिमिट आपकी लग जाएगी 1 से लेकर 2 तक। तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 5, इस जगह हमने 1 पुट कर दिया, माइनस ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा क्या, -8 + -8 + 4 - 10, ये हमारा इसमें लिमिट लग गई। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 16 + 4, ठीक है, फिर माइनस इसकी वैल्यू 1 + 2, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, और ये आपका आ जाएगा -18 + 14, -18 + 4 - 14 + ये तो हो गया 21, और इधर आपका आ जाएगा 20 - 6 = 14, तो ये आपका आ जाएगा 14, दिस इज इक्वल टू 21 + 14, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 35 आ जाएगा।
तो ये हमारा इसका आंसर है।